जय श्री राम दोस्तों, आज 13 अगस्त मंगलवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट हो गई है और जो बाकी एक्सरसाइज हैं वो आपके साथ करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोनों बैठे हुए हैं, आ नहीं रहे। आज लालू लग रहा है अकेला, क्या प्रॉब्लम है इन्हें? देखो बैठे दिख रहे होंगे, दोनों बैठे हैं आराम से। आज इनका मूड नहीं दूध पीने का, लालू लगा हुआ है, पैर में इसके लगी हुई है, किसी ने मारा है इसके। यही बेचारे समझ नहीं पाते इंसानों को, एक पुचकारेगा दूसरा लट्ठ मारेगा, ये भी कंफ्यूज है बेचारे। अभी देखो टांग ऊपर ही कर रखी है इसने। और मित्रों 4.5 किलोमीटर जॉगिंग के बाद में ये हमारी जो है कार्डियो, ये सर की पहली एक्सरसाइज है। और ये है सेकंड एक्सरसाइज, सभी के जो है 30-30 के 3 सेट लेने हैं। और ये है थर्ड, बहुत बढ़िया। प्रिय मित्रों ये हमारा कार्डियो सेशन, जंपिंग जैक्स, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने होते हैं। इससे जो हमारा पेट है उसका फैट कम होता है, साइडों का फैट कम होता है, पीछे बैक का भी फैट कम होता है। कोई और एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है तो जंपिंग जैक्स के आप 5-5 मिनट के 3 सेट करिए। ये हाई नीज दूसरी एक्सरसाइज है, इससे जो हमारा लोअर पेट है उसका फैट कम होता है, थाई की एक्सरसाइज होती है। ये तीसरी एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबिंग, इससे हमारे साइड वाला फैट कम होता है। बहुत बढ़िया सर, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने हैं, बहुत बढ़िया। मित्रों कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है, ये मसल ट्रेनिंग, और 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं सपाटे के। इससे हमारी लेग की एक्सरसाइज होती है, चेस्ट को सही आकार मिलता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, जो पीठ है उसका फैट कम होता है। तो आप भी अपनी क्षमता अनुसार इसे अपने डेली वर्कआउट में शामिल करें, बहुत बढ़िया सर। और ये मसल ट्रेनिंग की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स, सर जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज हमारी चेस्ट के लिए। प्रिय मित्रों यह देसी दंड, और जैसा कि आप जानते हो वज्रासन से इसकी शुरुआत होती है। ये वज्रासन है, उसके बाद पहुंचना होता है चतुरंग दंडासन में, ये वाला, और उसके बाद भुजंगासन की पोजीशन, और आखिरी स्टेप है पर्वतासन, यहाँ पे आगे कंप्लीट होती है। बहुत बढ़िया सर, चेस्ट को सही आकार मिलता है, आपका फैट कम होगा, वजन कम होगा, आपका जो मसल्स हैं सारी वो मजबूत होंगी, कमर का फैट कम होगा। 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने होते हैं, इसे बोलते हैं फुल बॉडी वर्कआउट। और कोई एक्सरसाइज आप नहीं कर पाते हो तो इसे तो अवश्य शामिल करें, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार पोजीशन। बहुत बढ़िया, ये पर्वतासन, और आखिर में फिर से वज्रासन पर समाप्त होती है, बहुत बढ़िया सर। और ये हमारी मसल ट्रेनिंग की 4th एक्सरसाइज स्क्वैट, ये हमारी लेग्स और थाइज जो है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप भी जो है 30-30 के 3 सेट लें। और ये मित्रों सर जो है बेली फैट की 4 एक्सरसाइज करेंगे, ये पहली एक्सरसाइज है, और सभी के 30-30 के 3 सेट लेने हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये सेकंड एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करनी है, 30-30 के 3 सेट लेने हैं, काफ़ी इफेक्टिव है, तो अपने वर्कआउट में इसे भी आप शामिल करें। और ये थर्ड एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करनी है, और ये भी काफ़ी इफेक्टिव है, बहुत ही बेहतरीन। ये सर के द्वारा 4th एक्सरसाइज, बहुत अच्छे भाई। प्रिय मित्रों ये हमारा प्राणायाम सेशन कपालभाति,
100-100 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। खुले स्थान में आप आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 गहरी सांस लेंगे, पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर, और जो भी स्ट्रोक आप लेंगे उसकी अवधि लगभग 1 सेकंड के आसपास होनी चाहिए, और जो भी प्राणायाम की प्रक्रिया करेंगे उसमें 5 मिनट की अवधि अवश्य ही लगनी चाहिए, तभी पूरा लाभ मिलेगा। प्राणायाम से हमारे जो आंतरिक अंग हैं वो शक्तिशाली होते हैं, तो इसे आप अपने डेली वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। ये अनुलोम विलोम 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इसमें एक नासिका से आप श्वास लोगे, और जितना समय आप श्वास लेने में लगाओगे उतने ही समय में दूसरी नासिका से उसे मुक्त करोगे। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा हृदय मजबूत होता है, मन शांत रहता है। ये है भ्रामरी, और भ्रामरी में ओम की ध्वनि नासिका से निकालनी होती है, जिससे हमारे मस्तिष्क में कंपन शुरू होता है, और मस्तिष्क में जो हमारे लाखों न्यूरॉन्स हैं वो शक्तिशाली होते हैं, और जब न्यूरॉन शक्तिशाली होंगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी, याददाश्त अच्छी होगी, और निर्णय लेने की आपकी क्षमता अच्छी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, ये ओम का जाप, और कम से कम 3 और अधिक से अधिक जितना आप चाहो 21 तक आप ले जा सकते हो। शांत बैठना है, रीढ़ रजू सीधी, 3 गहरे सांस, ध्यान पूरा अंदर की तरफ, आंखें बंद, और पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर, और यदि इधर उधर जाए तो अपने इष्ट देव पर ध्यान यही रखना है। यदि आपका बीपी हाई है तो ओम की ध्वनि मंद रखनी है, बीपी लो है तो ओम की ध्वनि तीव्र रखनी है, और यदि आप एकदम स्वस्थ हैं तो ओम की ध्वनि को तीव्र ही रखेंगे। बहुत बढ़िया सर, और दोस्तों ये सातवाड़े पार्क का व्यू है। जैसे मैंने इससे पहले ही बताया आपको, ये टोटल 6 पार्क हैं यहाँ पे, फाउंटेन के 3 इधर हैं, और तीनों ही एक से एक बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया पार्क है। अगर आप भी आसपास रहते हैं तो ज़रूर आएँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, आपको सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगेगा। और आजकल हरियाली इतनी ज़बरदस्त है कि जाने का मन ही नहीं करेगा आपका, बहुत ही सुंदर। जय सियाराम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है, और आज है 13 अगस्त 2024, और 13 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंगदान दिवस। देखिए, अंगदान सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि अंगदान मृत्यु के बाद, जब हमारी नेचुरल मृत्यु होती है उसके बाद दिए जाते हैं, और हम जिस व्यक्ति को अपने अंगदान करते हैं उसके रूप में हम जीवित रहते हैं। और देखिए, अंगदान तो हम मृत्यु के बाद देंगे जब भी हमारी नेचुरल मृत्यु होगी, लेकिन ब्लड को हम जीते जी भी दे सकते हैं। तो हमारे देश में इतने अंधविश्वास और इतने भ्रम फैले हुए हैं कि जितने लोगों की जान ब्लड डोनेट करने से हम बचा सकते हैं उतना भी ब्लड हम डोनेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे देश में इन अंधकारों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए, और अंगदान तो अपनी मृत्यु के बाद होंगे ही, जो हम जीते जी कर सकते हैं वो है हमारा रक्तदान। तो रक्तदान अवश्य करें, हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।